पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाकई है एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है सियासत का बहर। जो शहर कभी चांडका के नाम से था जाना जाता, जहां कभी सिंधु तहजीब को था माना जाता। जिस पर कायम आज भी है सकाफत का हर रंग पुराना, वो है सिंध का तारीखी शहर लाड़काना। ये शहर माजी के कई रंगों में परवान चढ़ा, आबादी के एतबार से है सिंध का चौथा बड़ा। लाड़काना की शाही चार तहसीलों से है बनी, लाड़काना, बाकरानी, रत्तो डेरो और चौथी है डोकरी। ये सरजमी बोलती है सियासत की बोली, यहीं तो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने थी आंख खोली। इसी लीडर ने पाकिस्तान का पहला मुत्तफिका आयन दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इस्लामी कॉन्फ्रेंस में एक किया। लाड़काना से कुछ ही मील दूर वाके गांव गढ़ी खुदा बख्श का है एक खास मयार। इसी गांव में आज जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर शहीद का है मजार। वो बेनजीर के जिसने राहे सियासत में नाकाबले फरामोश मंजिलें पाईं, यही तो हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आजम कहलाईं। बहुत सी खिदमात ने इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाया, हजारों देहातों को बिजली की रौनक से जगमगाया। बेवाओं के महाना वजीफे से जिंदा है आज भी इनका नाम, इन्हीं की बदौलत हुआ ख्वातीन के मसाइल को हल करने के लिए ख्वातीन वजारत का कयाम। यहां का एक मशहूर होटल संबारा, जो मशहूर जमाना संबारा के नाम पर था, तामीर हुआ, जिस खूबसूरत दरवाजे को था खास शरकपुर से मंगवाया, उसे था जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहीं पर लगवाया। शहर के ऐन वस्त में लाड़काना रेलवे जंक्शन पूरे मुल्क को है एक पटड़ी पे लाता। लाड़काना से चंद किलोमीटर की मसाफत पर वाके 5000 साल पुराने मोहिंजोदड़ो को देखा जा सकता है। ।1922 में सर जॉन मार्शल की करवाई गई खुदाई से मंजरेआम पर आने वाला यह टुकड़ा बहुत से अनोखे राज बताता है। इस शहर में छुपा है क्या क्या, ये जानती है सिर्फ खुदाई, क्योंकि अभी तक यहां हो सकी है सिर्फ 10% ही खुदाई। ये धरती इल्म की दौलत से भी है माला माल,
यहाँ के मशहूर कैडेट कॉलेज कायदे आवाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बेनजीर भुट्टो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चांडका मेडिकल कॉलेज, शहीद बेनजीर भुट्टो लॉ कॉलेज और एस जेबिस जैसे कामयाब तालीमी इदारों का है ये कमाल। कदीमी यादों का है ये आज भी एक महवर, हजारों साल पुरानी वादी सिंध की झलक है यहाँ का अजायब घर। एक सौ तीन साल पुरानी इमारत जो रवायती फन तामीर की लाजवाब तस्वीर है दिखाती, यहां आज भी मौजूदा वो कीमती जगह कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है कहलाती। ১৯০৪ में तामीर होने वाला चांडियो हाउस खूबसूरती का मुनफरिद अंदाज है बताता। इसी खूबसूरती की बदौलत इसे लाड़काना का ताजमहल भी है कहा जाता। हैंडीक्राफ्ट्स उम्दा रिवायात और सिंधी तहजीब की अकासी करता है।